आइए जानते हैं हॉस्पिटल से जुड़ी एक इमरजेंसी के बारे में। आज का टॉपिक है हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर कोड। क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो किसी अनहोनी या दुर्घटना के दौरान मरीज को बचाने के लिए कलर कोड या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में कलर कोड कोड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ताकि अन्य मरीजों या लोगों के बीच अचानक डर का माहौल पैदा न हो और भगदड़ को रोका जा सके। इसके लिए हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर कोड बनाया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सा कलर कब यूज़ करते हैं। तो रेड कलर जो यूज़ होता है वो आग लगने की कंडीशन पे यूज़ करते हैं। कोड रेड फायर के लिए यूज होता है। कोड ब्लू कार्डियक अरेस्ट के लिए यूज होता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, आया है, उस कंडीशन में कलर कोड ब्लू का अलाउंस होता है। ग्रीन कलर बाहर निकलने के लिए ग्रीन कलर का यूज होता है। अगर हॉस्पिटल में कोई भी डिजास्टर जैसी सिचुएशन हो रही है, हॉस्पिटल को खाली करने जैसा माहौल पैदा हो रहा है, उस कंडीशन में ग्रीन कलर का अनाउंसमेंट होता है। कलर कोड ऑरेंज, जो ऑरेंज कलर है वो डिजास्टर के कंडीशन में अलाउंस करते हैं। येलो कलर, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल से गायब हो गया है, उस कंडीशन में येलो कलर का यूज़ करते हैं। अम्बर कलर, अम्बर कलर अगर कोई बच्चा गायब हो गया है या फिर चोरी हो गया है, उस कंडीशन में अम्बर कलर का यूज़ होता है। ब्लैक कलर का यूज़, अगर हॉस्पिटल में बम होने की संभावना है, उस टाइम पे ब्लैक कलर का यूज़ अलाउंस होता है। वाइट कलर, वाइट कलर शांति का प्रतीक होता है, इसलिए वायलेंट पर्सन अगर कहीं पे हैं उस टाइम पे वाइट कलर कोड यूज़ अलाउंस होता है या फिर यूज़ होता है। पिंक कलर, अगर पीडियाट्रिक मेडिकल इमरजेंसी है या फिर बच्चों में कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो रही है, उस टाइम पे पिंक कलर का यूज़ करते हैं। ब्राउन कलर का यूज़ हजार्डियस केमिकल स्पेल हो जाता है, या फिर हॉस्पिटल में कोई गैस या फिर कोई हजार्डियस जो खतरनाक सब्सटेंस हैं वो लीक हो जाते हैं, उस टाइम पे कलर कोड ब्राउन का यूज़ करते हैं। अगर कहीं पे कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो अलाउंस कैसे करेंगे कलर कोड को, उसके बारे में जानते हैं। तो जिस भी वार्ड में कार्डियक अरेस्ट वाला पर्सन है, उस टाइम पे बोलेंगे कलर कोड ब्लू इन वार्ड फीमेल।